हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की साइंस क्लास में आज आपको चैप्टर 8 कोशिका संरचना और प्रकार, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। कोशिका वो इंग्लिश में सेल कहते हैं। सेल कोशिका जीवन की मूल इकाई है। जिस प्रकार मकान की मूल इकाई ईंट होती है, उसी प्रकार कोशिका हमारे शरीर की मूल इकाई है। सभी सजीव वस्तुएं, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों, दोनों ही लघु इकाइयों के बने होते हैं। लघु इकाई मतलब कोशिका से बने होते हैं। इन्हीं लघु इकाइयों को कोशिका कहते हैं। इस पृथ्वी पर सभी सजीव प्राणी, जीव जंतु, इंसेक्ट, सभी का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिका शब्द लैटिन भाषा से के सेल्यूला शब्द से उत्पन्न हुआ। कोशिका की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है एक छोटा कक्ष। जल एक छोटा कक्ष यानी कि जल, ये सेल्यूला का एक शाब्दिक अर्थ है। अब आते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में इस कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कार्क की स्लाइस, ये एक प्रकार पेड़ की छाल होती है, कार की स्लाइस को सामान आवर्धक लेंस यानी एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने इसका अध्ययन किया, इसकी स्टडी की। इस पेड़ की छाल का एक भाग जो उन्होंने कार की पतली स्लाइस ली और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा, तो उन्होंने स्लाइस की अनेक कोष्ठयुक्त युक्तियाँ देखी। स्लाइस में उन्हें अनेक कोष्ठक युक्त इस तरह के खंड दिखाई दिए। इस कोष्ठक युद्ध में अनेक खंड दिखाई दिए। ये कोष्ठ मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते। ये बक्से जो कोष्ठ हैं
यह मधुमक्खी के छत्ते की अगर हम सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करें, यह साफ साफ बिल्कुल दिखाई देता है, उसमें खांचे कटे हुए एक बक्से की तरह होते हैं। उन्होंने देखा कि एक कोष्ठ दूसरे से एक दीवार का विभाजन अलग द्वारा अलग हो जाता है, एक कोष्ठ से विभाजन अलग हो जाता है, दीवार लगी होती है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ की कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया, प्रत्येक कोष्ठ जो है या बक्सा जो है इसको कोशिका का नाम दे दिया। बाद में ये पता चला कि हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, जो बक्से नुमा संरचनाएं उन्होंने देखी खोज की, वो मृत कोशिकाएं। मृत कोशिकाएं क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पेड़ की छाल ली थी और छाल पर कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, कि उसको इम्प्रूवमेंट कैसे किया। फिर सन 1838 ईस्वी में दो जर्मन वैज्ञानिक एम ग्लिडन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत को इस प्रकार से प्रस्तुत किया, कोशिका सिद्धांत को इस प्रकार निर्धारित किया कि नंबर एक, सभी जीव जंतु और पौधे अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाओं से बने हैं। सभी जीव, सभी जंतु और सभी पौधे छोटी छोटी अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाओं से बने हैं। दूसरा पॉइंट है, कोशिकाओं का कार्य जीव के कार्य को निर्धारित करता है। कोशिका जो कार्य करती है वो जीव के कार्य के आधार पर इम्प्रूवमेंट होता है। तीसरा है, कोशिका पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, पुरानी कोशिका विभाजित होकर मृत हो जाती है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। चौथा सिद्धांत प्रतिपादित किया कि समस्त कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से समान होती हैं परंतु कार्यात्मक रूप से नहीं, संरचनात्मक जिनकी संरचना के आधार पर बराबर होती है लेकिन कार्य के आधार पर एक समान नहीं होती। तो क्लास इस वीडियो को ध्यान से देख करके चैप्टर को समझिए और कॉपी में राइट करिए। थैंक यू।